ना तुम कहोगे तुम गड्ढा नहीं ठीक किया तुमने, मैं योगा करता ना रोज, वरना अंदर कपड़े बदल रहा शेड में। कि इफ यू वांट टू मेक गार्डन डॉली पे आराम से आ जाए। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप लोग सब, वेलकम टू अनदर वीडियो। बाहर आ गई हूँ मैं आपको बैकयार्ड की फील देने। आज तो गरम गरम हवा चल रही है, नॉट लू बट हाँ थोड़ी ठंडी भी है हवा में, लेकिन गरम गरम हवा का एहसास हो रहा है। लेकिन कह रहे हैं बारिश भी होगी, और अगर बारिश हुई तो बहुत अच्छा हो जाएगा, अगर रेन हो तो मोस्ट वेलकम, वेरी गुड फॉर द गार्डन। मैं नाश्ता बनाने लगी हूँ एंड आर्या ऑलरेडी नाश्ता कर रही है, एंड बस आज हमने प्लांट्स लगाने का सोच रहे हैं, जो कल लेके आए थे इनको लगाने का सोच रही हूँ, देखो कितना कामयाब होता है। बाकी हम जो बड़े बड़े श्रब्स और ट्रीज लेके आए हैं वो तो डिलीवरी वेनसडे को होंगे, सो वी हैव टाइम फॉर दैट, 2 or 3 days एंड वी कैन जस्ट लेट देम क्लाइमेटाइज, रख के बाहर, देखो कितना होता है कामयाब प्लान हमारा। मैं नीचे थोड़ा इनको ना पानी देने आई हूँ, फटाफट की पानी दे दूँ सो दैट दिक्कत ना हो कोई। आर्या अपना नाश्ता खाने में लगी हुई है, बादाम और नट सारे पड़े हुए हैं, सीरियल और दूध, आराम से बैठो। एंड यहाँ बन रहा है हमारा बैम्बिनो, आज वर्मिसली जो बोलते हैं वो बन रहा है, साथ बनेगा कॉफ़ी एंड ब्रेड। तो जी प्लांट्स लगाने स्टार्ट कर दिए थे एंड बीच में रियलाइज़ हो गया कि गार्डन का सॉइल थोड़ा सा कम पड़ गया है, तो जो हम सॉइल हम डालते हैं यूजुअली साथ ना प्लांटेशन में, तो वो लेने आए थे। तो आर्या को लग गई भूख, तो आर्या के लिए आ गए हैं मैकडोनल्ड, एंड यहाँ पे आर्या की चीज़ें ली जा रही हैं, अभी आपको दिखाते हैं। वी आर एट द ड्राइव थ्रू विंडो, ये देखो पेमेंट हो रही है। दो चीज़ें ली हैं, गर्मी की सौगातें स्टार्ट हो गई हैं, स्मूदीज एंड आर्या का उन्होंने एड ऑन कह दिया, डोनट चाहिए आपको तो ये अपसेल हो गया, खास बिल्ड द बास्केट तो हो गया। और आर्या ने कहती या 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 डोनट की कोई थी नहीं, तो हमने लेना था सिर्फ और सिर्फ स्मूदी और घर भागना था, लेकिन इन्होंने अपसेल कर दिया, बच्चा साथ बैठा है, मच्छर गया हमारा बच्चा। एंड हमारे पास जॉब्स इतनी है हर जगह ना हुआ, हाँ, ये देखो गाइस इधर भी लिखा हुआ पता क्या, वी आर हायरिंग यू फॉर यू, अप्लाइंग जॉब इज एट दिस लोकेशन इज नेवर इजी, थैंक यू थैंक यू। हर जगह है जैसा, मतलब नहीं है कि जॉब की जो है कमी है, स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो जॉब ढूंढ रहे हैं, तो आई एम श्योर ये SNMP भी आजकल कराते होंगे, तो आप इनसे बात करें, ये जॉब, ये देखो गाइस वी आर हायरिंग, आई नो इट्स समथिंग नॉट योर फील्ड मे बी टू स्टार्ट विद, जब SNMP चाहिए होती है ना तो कोई फील्ड नहीं होती, तो फील्ड नहीं चाहिए होती राइट, लाइक आपको यू कैन बी लाइक चूजी एट दिस पॉइंट व्हेन टाइम इज यू नो रनिंग एंड आपको अपनी SNMP डालनी है, तो स्टार्टिंग में कर लो, तो इवेंचुअली यू विल लैंड देयर, बट दिस एक्सपीरियंस वोंट गो वेस्ट एंड आपका राइट अवे जो आपका मकसद है PR का फुलफिल भी हो जाएगा। घर पहुंच गए एंड हमारे पड़ोसियों ने ले लिया कन्वर्टेबल, आर्या के फ्रेंड, ये देखो यार समर के नज़ारे क्या बात है। आर्या तो अपनी फ्रेंड को बोल दे हमें राइड दे देगी कन्वर्टेबल में, उसकी मम्मा चला रही है। अरे सबसे घटिया गाड़ी है ये, बिल्कुल बेकार, कोई तो की नहीं इस गड्डी थी वो गड्डी थी, यही तो वही बात होगी, घर ले लो छत नहीं है तुम्हारी ना, छत होती है तुम बंद भी कर सकते हो। अरे भाई जस्ट खुली रह गई, बारिश आ गई, कोई कीड़ा तो यार आ बंद कर लो राइट वे, कोई मच्छर आ गया, कोई कीड़ा जी छो यार तुसी ते बस ना, ये गाड़िया इन्होंने ये बनाते महंगी हैं, छत इनकी है नहीं। तो गार्डन के लिए लाए हैं मिट्टी ना 3 पैक, और ये डॉली इसी पे रख के जाएंगे पीछे, लेकिन इस पे रखेंगे कैसे अभी आपको दिखाते हैं। सो वो जो डॉली पहले थी सीधी, उसको हमने कर लिया है प्लेटफॉर्म बना लिया, तो ये अगर आप डॉली लेना चाहते हो ना, न्यू होम ओनर हो, ये बड़ी अच्छी चीज़ है, जरूर लेना, लेकिन ऐसी लेना जो सीधी भी खड़ी हो जाए और छोटा सामान उठा ले भारी, और ऐसे प्लेटफॉर्म भी बन जाए जिससे आप काफ़ी सारा सामान इकट्ठा रख के ले जाओ, एंड देन उसको आप ऐसे आराम से रेड़ के ले जाओगे। थोड़ी भारी हो गई है क्योंकि 60 लीटर की एक मिट्टी है, 30 लीटर की एक है। जस्ट जी लेके आ रहे हैं अंदर ना, इस पर डाल के डॉली पे आराम से आ जाएगा सामान, थैंक यू। ये ग्रेवल पे भी बड़ा अच्छा चल जाती है, हाँ। मोटे टायर है ना, हाँ। उठा के लाने से बेटर है आपकी, इट्स गुड ऑन योर बैक की दिक्कत ना हो। अब बस ये आ गई है, ये डंप करेंगे फटाफट लगाएंगे। मेरे हाथ पे चदे प्लांट्स लगे हैं, वो देखो वहाँ पे, अब यहाँ के लिए मैं लेके आऊँ, मैं ले आता हूँ। जस जी हेल्प करने में लग गए हैं अब हमें, अब काम होगा।
माय फ्रेंड्स वो बाउंसी कैसे ले जाप ऑन द वाटर वाटर भी ऑन है उनका यू कैन ऑन द स्प्रिंकलर टू आर यू जस्ट जी प्लांट्स भी ले आए हैं मेरे ये पूरी की पूरी बास्केट ले आए आप तो प्यार से लाया हूं ना फिर मैंने कहा अगर मैंने गलत उठाया तरीके से फिर तू अपसेट ना हो जाए अच्छा सरकाजम है तो नहीं मेरे को लगा कि मतलब मैं ऐसे कहीं ऐसे पकड़ पकड़ ऐसे उठा के ला रहा हूं टेढ़ा पिंगा करके कुछ हो जाए तो हमारी रिस्पांसिबिलिटी नहीं ना तो ये सारे हमारे आज मैंने सुबह सारे गार्बेज बिन्स धोए क्योंकि ना ये बहुत ज्यादा अंदर से गंदे हुए हुए थे एंड दीज आर माई इनडोर लिटिल बिन्स फॉर एवरी रूम तो ये धो के सूखने डाल दिए वंस दे आर ड्राइड विल टेक इट इनसाइड एंड लेट स्टार्ट नाउ ये मैंने प्लांट्स यहाँ पे लगा दिए थे बिकॉज यहाँ का बेड वॉज ओके यहाँ का बेड प्लांटर बेड वॉज क्वाइट नीवा तो इट वॉज लो सो इट्स बेटर टू टॉप इट अप एंड विल स्टार्ट नाउ द फन कैनोपी खोल रहे हैं क्योंकि ना मेरे प्लांट्स को शेड की जरूरत है थोड़ा टाइम लग जाएगा अभी लगाने में सब कुछ सो जस्ट जी इज नाउ going to open this new umbrella wow thoda yahan yahan se tight hai but it's okay i think hai na thoda uncha karna maine nahi fir jhulega ha aise ha ye bilkul theek hai wow very good sab gun sampann hai jas ji shaadi karke theek kiya lagta hai bhai aur behno bike rack bech diya gaya hai wo banda aaya hua samne lene abhi dala hai iski gaadi mein गॉन 70 का लिया था 60 का बिग भेज दिया कोई मांग रहा था सीरियसली कि मतलब हमने बोला था कि चलो 70-75 सेम जितना लिया उतना निकल जाए बट ऐसा होता नहीं बेचने जाओ चीज़ सस्ती हो जाती है क्योंकि रेगुलर प्राइस उसी बाइक रैक का था 130 तो मैं नया को बोल रहा कि आज तो उसका प्राइस 130 है लेकिन हमने 60 में सेल कर दिया फिर भी क्योंकि प्रॉफिट थोड़ी बनाना है इन चीज़ों से और हमने 70 का लिया था और जितने का लिया था उतने का तो निकलता नहीं कभी ये दोनों इधर लगी हुई हैं फूल लगाने तो ये जरूर ले लेना अच्छी चीज है बाहरी सामान को आगे पीछे अंदर बार करने के लिए ले गया बंदा बिक गया हाँ बिक गया हवा बड़ी तेज है विंड जैसे कि आप देख रहे हो कितनी तेज विंड है लेकिन ये आज ये बेचारे अभी अब इनको थोड़ा सा ना इनका टेस्ट होएगा कि अब ये विंड में कैसे करेंगे अरे प्रेरी के प्लांट है रब सुख रखे सब ठीक है इसलिए तो बीसी के प्लांट नहीं लगाते हम क्योंकि उनको आदत नहीं होती ना इतनी तेज हवाओं की और बुरे हालत टेम्परेचर की हंस रही है ये मैं इसको कह रहा हूँ ये देखो नेहा जी ऑन रोल भाई साहब तीन बास्केट बन चुकी हैं और ना नेहा कह रही है लाइफ में सब कुछ नहीं मिलता जस्ट कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है तो मैंने इसको समझाया सीमा आंटी ने बोला 60-70% मिलेगा ठीक है जो देखते हैं इंडियन मैच में कि उनको पता होगा हम क्या बोल रहे हैं सो सीमा आंटी की बात मतलब यूनिवर्सल ट्रुथ सो लाइफ में हमेशा फोकस आप 60-70% पे ही रखो गल बनने वाल लो 100 चीजें चाहिए तो 6 मिल जाए तो ठीक है तो अगर फ्लावर बास्केट्स आपकी $25 की मिल रही हैं बाजार से तो अपने आप बनाओ देखो अपने आप बनाइए ये पुरानी रख लेती है मिट्टी मुट्टी ला के अपने ये बाहर 25 की बिकती है भाई साहब क्या जरूरत है 25 की एक लेने की हमने लगानी है 6 ये 3, 4, 5, 6 ये सामने पूरी सीडिंग से नहीं उगा पाती क्योंकि उसमें और पैसे बच जाए हाँ पैसे और बच जाए बस ग्रीन हाउस की ना अंदर जगह नहीं है एंड इट विल बी ऑल ओवर द प्लेस अगर हम अंदर स्टार्ट करेंगे फेब्रुअरी से या मार्च से इट विल बी लाइक यू नो एवरीवेयर अंदर टेबलें लगानी पड़ेंगी और फिर इनफ लाइट भी नहीं मिलती अंदर अंदर तो मार्च से शुरू कर सकते हो लेकिन उसमें क्या होगा सीड्स ले आओ मार्च में आप अपना सीड्स को सीडलिंग लगा दो तो अपना ग्रो हो जाएगा लेकिन फिर वो आपकी ना अंदर ही रखना पड़ेगा आपको और हमने रखा है पहले अपने डाइनिंग टेबल पे साइड पे टेबल लगा के बट वो हमारे लिए ना हमें बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि हम खाना कहाँ खाएं बैठ के वो सब नहीं हम कर सकते इसलिए मैंने नेहा को कहा मैं क्या वो पैसा मत बचा उसमें कोई जरूरत नहीं पैसा बचाने की तुम सीधा तब लेके आओ जब सीधा गार्डन में लगे वो वी हैव नो रूम टू पुट इट इनसाइड सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि सीड तो आपने लगा दी अंदर वो ग्रो कर जाते हैं जब आप उनको रीप्लांट करते हो ना बाहर तो उनको शॉक मिलता है सीधा तो अंदर टेम्परेचर होता है 22-23 रखते हो आप घर का टेम्परेचर बाहर आता है टेम्परेचर जब रात को 10-15-8 रह जाता है और फिर उसके बाद ये हवाएं चलती हैं विंड जो चल रही है उसमें वो फिर कई मर जाते हैं 50% तो मर जाते हैं वो और इतना अच्छा हमने करके देखा हुआ वो भी इसलिए मेरे को सबसे अच्छा ये लगता है कि इफ यू वॉन्ट टू मेक गार्डन तो ये इतने साइज के खरीद के ले आओ ज्यादा बेटर है अच्छा रिजल्ट आता है बाकी इस बार तो रिजल्ट तो होते हाथी चार रिजल्ट रब दे हाथी चार लेकिन हमारा काम है काम करना और गड्ढे खोदना और ये गड्ढे मैंने किसी और के लिए नहीं खोदे अपने लिए ही खोदे हैं कोई कहे कि किसी और के लिए गड्ढा खोदो तो खुद ही गिरता है उसमें तो इसलिए ये गड्ढे जो खोदे हैं ये प्लांट लगाने के लिए खोदे हैं वो
जो नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं मैं डाल के बना लेती हूँ उसमें और फ्लावर बास्केट्स लगा देती हूँ, तो रब सुख रखे पिछले 2 साल से तो रिजल्ट आ ही रहा है यही सब चीजों से। एंड वी सेव मनी, नहीं तो 25-25 लगती, वो बहुत सुंदर है फ्लावर बास्केट्स, लेकिन कभी भी ना फ्लावर बास्केट्स अगर आप बाहर से लेते हो ना, नॉट ओनली कॉस्ट का पर्सपेक्टिव होता है, दूसरा ये भी होता है हमेशा वो ना ऑलरेडी इतनी खिली हुई और इतनी सुंदर होती है, घर आके वो उनका ब्लूमिंग पीरियड काफी हद तक खत्म हो चुका होता है एंड फिर वो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए लास्ट करेंगे आपके बैकयार्ड में। अगर आप ऐसे लगाओगे ना पूरे 6 मंथ्स आपको मतलब 4 से 5 महीने तक आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि आप इस ग्रोथ से ला रहे हो, वो बढ़ते 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 भरेंगे। क्योंकि अगर आप भरी हुई चीज लाओगे तो फिर तो उसकी तो ताकत घटनी है, मैंने आपको समझाया था, ये तो लाइफ साइकिल है, ये बढ़ना है फिर घटना है, लेकिन आप बड़ी हुई चीज लाओगे तो फिर तो घटनी है, वो आप अपने घर सिर्फ घटाने के लिए ला रहे हो। हाँ, अगर आपको इमीडिएट इफेक्ट चाहिए कि कोई आ रहा है घर, घर बेचने पे लगाना, मतलब घर बेचने पे लगाना है, मतलब ब्यूटीफाई करना है, तो फिर आप जरूर बने बनाए आगे लगा दो फटाफट। लेकिन अगर आप खुद कर रहे हो, कहीं ना कहीं ने हमें ये भी मैसेज लिखा हमारी मेहनत देख कि यू नो आप इतनी मेहनत करते हो तो क्या जरूरत है लॉन में, यू नो हमने तो लैंडस्केपर्स लगाए हुए हैं लॉन के लिए, गार्डनर्स लगाए हुए हैं अपने, एंड बहुत सुख हो जाता है आई नो, लेकिन ये सब करने में भी अपना सुख है, अपनी सेटिस्फेक्शन है, जब मेहनत रंग लाए तो यू नो एक अलग ही खुशी मिलती है। हम तो शहरी जगह के रहने वाले लोग हैं जहाँ से यू नो वी हैव नॉट सीन फार्मिंग, वी हैव नो बैकग्राउंड फॉर फार्मिंग, वी हैव नो बैकग्राउंड एंड नॉलेज या एक्सपर्टीज, तो जो थोड़ा बहुत सीखा है वो ऑनलाइन रिसर्च से ही सीखा है, तो उसको अगर हम प्रैक्टिस में डाल के अगर थोड़ा सा भी ये यू नो छोटा सा अपनी मेहनत से करें ना तो बहुत अच्छा लगता है। दिस इज जस्ट एन एक्सपीरियंस, इससे हमें सब्जियां कोई 6 महीने लास्ट नहीं होनी, लेकिन हाँ मजा आता है, वी शेयर इट विद आवर फ्रेंड्स एंड फैमिली, यू नो प्राउड महसूस होता है एंड ऑफ द डे पे, यार ये हमारे हमने उगाई हैं सब्जियां, हमारे बैकयार्ड की ऑर्गेनिक सब्जियां, सो वो बस खुशी के लिए हम करते हैं। चलो जी, आई विल गेट बैक टू माय गड्ढे। आई टोल्ड यू ये गड्ढे और कर दिए हैं थोड़े से, और आइया की आवाज़ आ रही है क्योंकि आइया ना ये खेल रही है पानी में आराम से, ये देखो पानी, मैंने स्प्रिंकलर हमारे पास ये मैनुअल वाला भी है वो लगा दिया है, कहती है मेरे को पानी में खेलना है, लेकिन माँ को चैन नहीं आ रहा, माँ कह रही है सनस्क्रीन है ये है वो है, भैया देख रहे हो गाइस ये देखो नाटक, ये देखो कम करूँ बेटा, ओके काफ़ी प्रोग्रेस हो गई है, सारा कुछ काम खत्म हो गया, सिर्फ ये रह गया लगाने के, और ये सारे गड्ढे हो चुके हैं उसके लिए, और अंदर बाथरूम, ये हमारा बाथरूम बन गया, अंदर मनु कपड़े बदल रहा है गीले होके। हेलो हेलो, सब ठीक है? मनु अंदर कपड़े बदल रहा है शेड में, बता यार शेड में कपड़े बदल रहा है, ये बंदा क्या है ये? सब ठीक है, कोई चाहिए तो नहीं कुछ है? रोशनी चाहिए तो दरवाजा खोल तू थोड़ा साइड से, अंदर नेरा है बेटा, देख ले नेरे में कहीं गलत जगह कुछ गलत कुछ हो ना जाए, अच्छा पहन ले फिर पहन ले, ओके कोई पता लगे स्पाइडर बढ़ जाए अंदर है ना, आइया कोई स्पाइडर बढ़ गया तो, ओ देखो देयर इज अ स्पाइडर राइट देयर, बच्चों स्पाइडर बढ़ जाएगा कोई पक्का मन्ने के अंदर। मनु जी कपड़े बदल आए हैं, आप बता सकते हो हमारे शेड में कपड़े बदले किसी ने? शेड में कपड़े भी बदले किसी ने, वाकई छोटे छोटे, अच्छा ऐसे फिर यादें टूट जाती है। ठीक, आप शेड में एक रात भी गुजारे, एक शेड में रात भी गुजारे? मैं गुजार सकता हूँ, शेड में एक रात भी गुजारे आप? बिल्कुल बिल्कुल, कोई मसला नहीं है, बस मंजी वगैरह का इंतजाम कर लो। अच्छा, मैं कहीं भी रहूं, मैं वेरी फ्लेक्सिबल, वेरी फ्लेक्सिबल, मैं योगा करता हूँ ना रोज। अच्छा अच्छा, तू तो पाइप के अंदर से भी निकल जाता तू, ठीक है ओके। ये तू आग जला दे गोले में, मैं छलांग मार लूंगा। अच्छा, गोले में आग, फिर चलें हम गली गली बोल दिया करेंगे, नहीं गली गली चलते हैं, फिर उसके बाद तू करतब करके दिखाइयो, फूल ही बरसते हैं हमेशा। अच्छा, अरे रहने दे, बड़ा फटफट फटफट काम कर रहा है नेहा जी ने आज, भाई साहब ऐसे फट्टे चक्के हैं जी की स्ट्रेटजी से, ये एक्चुअली ऐसा होता है, फिर लगाने के बाद बोल दो जस जी की स्ट्रेटजी, ताकि फेल हो तो मेरे पे आए बात। फेल हो तुम तो हाथ लगा ही नहीं रहे ना, सारा इल्जाम मेरे पे है। नहीं नहीं, गड्ढे तो हम कर रहे हैं ना, तुम कहोगे तुम गड्ढा नहीं ठीक किया तुमने। तो वहाँ लग गए टमाटर, पेपर्स, मिर्चा, कुकुम्बर और खीरे, सॉरी मटर, मटर कुकुम्बर खीरे, इधर लग रहे हैं बीट्स, यहाँ बीट रूट लग रही है, पोटैटो रह गए हैं, वो पोटैटो की जगह उस पर, उस जो लकड़ के उस पार खाली पड़ी है वो पोटैटो लगेंगे बाद में। तो सारा काम वाम करके हम आ गए हैं, एक्चुअली ना वो पौधे वगैरह लगाए, तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि
दो तीन हैंगिंग बास्केट्स हमें शॉर्ट पड़ गई क्योंकि सामान ज़्यादा ले लिया नया ने। फिर हैंगिंग बास्केट जहाँ से कोई मार्केट प्लेस पर सेल कर रहा था तो हम ले आए जाके बाइक पे, दोनों आर्या और मैं। इतना थका हुआ था लेकिन आर्या कहती है कि बाइक पे चलो, लेकिन मज़ा आया बाइक पे। पता नहीं क्यों मेरे को थकान ही नहीं लगती, बड़ा मज़ा आता है। फिर लेकिन आते आते कहती है कि अब मेरे को पार्क में रुकना है, सो पार्क में चली गई है। तो मैं यहाँ बैठ कर रिलैक्स कर रहा हूँ, आर्या पार्क में। मंकी बार्स का बड़ा शौक चढ़ गया आजकल, इसकी ना हाइट भी ग्रो हो गई है अच्छी, आजकल लटकती बहुत है मंकी बार्स पे। मेरे को याद आता है बचपन में हमें पापा बोलते होते थे लटकन जाया करो, क्योंकि मैं सबसे ठिग्गा था क्लास में। लेकिन वो अब इसको बोलना नहीं पड़ता, ये अपनी क्लास में बच्चों से हाइट अच्छी है इसकी, सो विच इज़ गुड। अब घर पर बन रही है रोटी राजमा, एंड घर जाके रोटी खाएंगे। मज़ा आ गया लेकिन काम करके और ताज़ी हवा पे साइकिल चलाने का तो अपना मज़ा है, बड़ा मज़ा आता है मेरे को, इट्स माय फेवरेट थिंग टू डू। हम घर आ गए हैं बाइकिंग करके और नेहा जी की एक्स्ट्रा तीन वो ले के बास्केट, फ्लाइंग बास्केट कह रहा था मैं, सॉरी हैंगिंग बास्केट, सॉरी फ्लाई करते हो वाकई। आर्या ने अपना मेन्यू बना लिया पूरे वीक का, लंच का मेन्यू, आर्या ने ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे एंड देन लुक आई डिड ये एंड ऑफ द वीक विद द एक्सक्लेमेशन। फिलहाल तो बेटा बिगनिंग ऑफ द फिलहाल तो बिगनिंग ऑफ द वीक है, और यहाँ पे जो रो रही है तो कल ऑफिस जाना है। अब हो सकता है नेहा को पूरे तीन दिन जाना पड़े। नेहा आर यू डू यू रिमेम्बर हाउ टू गो टू वर्क एवरी मॉर्निंग? नो आई डोंट, देन इट बिकम आई हैव रियली बीन स्पॉइल्ड नाउ। कल एक्चुअली हमारे कोई कॉलेज जा रहे हैं तो सबने जाना है, तो जाना पड़ेगा, लेकिन इच्छा बिल्कुल नहीं है जिस हिसाब से थके हुए हैं और प्लांट्स पूरे लगे भी नहीं, मैं अंदर ले आई हूं। वो अंदर पड़े हैं बाकी के। राजमा बने हैं, पनीर एंड सांभर कल का था, अनियन तो डालना होता है, सॉरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना, बाय गाइस, बताना जाना। अगर आप लोगों ने भी प्लांटेशन लगाई है तो जरूर शेयर करना। हमारी तो आज होगी है डन गार्डन की प्लांटेशन फॉर दिस सीजन 2023। आप देखो क्या होता है, सीवियर थंडरस्टॉर्म वार्निंग आई हुई है। वॉच, इट्स जस्ट अ वॉच, इट इज जस्ट अ वॉच। आई एम सो स्केयर्ड, वो सीवियर, आई डोंट हैव अ बिग हार्ट, बट रब्त छाड़ दो नेहा जी, रब्त छाड़ दो। हाँ, बस रब सुख रखे, हमेशा यही होता है बस, एंड देन सब ठीक हो जाता है। मिलेंगे जी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय बाय। I'm trying to make this darkness go away.